वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन रेनू ठाकुर। आज हम बनाने वाले हैं आलू और पत्ता गोभी की मसालेदार सब्जी। आलू और पत्ता गोभी की मसालेदार सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को रख दिया है, साथ ही मैंने उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल यहाँ पर लिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। साथ ही इसमें जाएगा 1 बड़ी चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच हींग, साथ ही इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 साबुत चिली है, 2 तेज पत्ता मैंने यहाँ पर लिया है, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा मैंने यहाँ पर लिया है, 2 लौंग ली है मैंने यहाँ पर, साथ ही मैंने यहाँ पर 8 से 10 काली मिर्च के दाने लिए हैं। इन मसालों को हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से भूनना है, हल्का भूरा होने तक हम जीरे को यहाँ पर भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें अदरक का पेस्ट और टमाटर डालेंगे। सभी मसाले हमारे यहाँ पर भुन चुके हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट। इसके साथ अब हम यहाँ पर सारे मसाले डाल देंगे। टमाटर को मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, टमाटर के साथ ही हमें सभी मसाले यहाँ पर पकाने हैं। अब हम इसमें लेंगे नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर लाल मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला। साथ ही मैंने इसमें यहाँ पर 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, इससे हमारी सब्जी में कलर बहुत अच्छा आएगा। गैस का फ्लेम हमें यहाँ पर मीडियम रखना है, मसालों को अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर पकाना है। मसाला हमारा यहाँ पर भुन चुका है, ये देखिए। अब हम इसमें आलू और पत्ता गोभी डालते हैं। जब तक मसाले और तेल यहाँ पर अलग अलग ना दिखने लगे तब तक हमें इसको यहाँ पर पकाना है। यहाँ पर मसाले और तेल अलग दिखने लगे हैं तो अब हम इसमें डालते हैं आलू। आलू को मैंने यहाँ पर धोकर रखा हुआ है, आप जब सब्जियाँ काटें तो उन्हें अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर मैंने एक छोटा पत्ता गोभी लिया है। मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पर मिला देते हैं। देखो, हमने यहाँ पर अच्छे तरीके से मिला दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। छेने वाले रसगुल्ले बनाते समय दूध से जो पानी यहाँ पर निकला है हम वही पानी इसमें डालेंगे। ये पानी बहुत हेल्दी है, न्यूट्रिशियस फुल है। बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है, 1 से 1.5 कप पानी आपको इसमें डालना है। मीडियम फ्लेम पर आपको इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाना है। 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर हमें सब्जी को पकाना है। साथ ही यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहें तो अदरक को यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं या फिर अदरक को यहाँ पर आप बारीक चॉप करके डाल सकते हैं, बारीक काट कर। मैंने यहाँ पर अदरक का पेस्ट डाला है, वो ऑप्शनल है। मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची नहीं डाली है क्योंकि मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है, लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। साथ ही यहाँ पर डाला है हमने कश्मीरी मिर्ची पाउडर, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें नहीं डाली हैं। बीच बीच में 1 से 2 बार हमें सब्जी को इस तरीके से चलाना है ताकि हमारी जो सब्जी है वो नीचे से जल ना जाए। सब्जी हमारी यहाँ पर बन चुकी है, आलू और गोभी की मसालेदार सब्जी हमने यहाँ पर बनाई है। देखिए, पानी इसका पूरा सूख चुका है। इस तरीके से आप भी अपने घर पर एक बार आलू गोभी की सब्जी को कढ़ाई में बनाकर देखिए। आलू गोभी की मसालेदार सब्जी यहाँ पर तैयार है। अब हम इसको प्लेटिंग के लिए लेकर चलते हैं। आलू और पत्ता गोभी की मसालेदार सब्जी यहाँ पर बनकर तैयार है। इसे आप पूरी, पराठा, चपाती जैसे खाना चाहें उसके साथ आप खा सकते हैं। इसको पकाने के लिए मुझे ज़्यादा समय नहीं लगाया, कढ़ाई में मैंने लगभग 10 मिनट के लिए इसको पकाया है। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जब हमारी सब्जी कढ़ाई में बन रही है तो 1 से 2 बार आप इसको चला दीजिए बीच में, ताकि जो सब्जी है वो नीचे से तली में से लग ना जाए। अभी एक बार इस तरीके से अपने घर पर आलू और पत्ता गोभी की सब्जी बनाकर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।
वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।